जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन आ गए हैं। वो दिन आ गए हैं जब माँ दुर्गा आपके घरों में आएंगी और उनके चरणों से हमारा तन, मन और जीवन सफल हो जाएगा। माता तेरे चरणों की रज मिल जाए, माता तेरे चरणों की रज मिल जाए, मेरा ये जीवन सफल हो जाए, मेरा ये जीवन सफल हो जाए। माता तेरे हम पे नजर हो जाए, माता तेरे हम पे नजर हो जाए, माता तेरी हम पे नजर हो जाए, माता तेरी हम पे नजर हो जाए, मेरा ये जीवन सफल हो जाए, मेरा ये जीवन सफल हो जाए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और हर स्वरूपों का महत्व अलग अलग होता है। माता रानी का पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। शैल का अर्थ है शिखर। दुर्गा को शैलपुत्री क्यों कहा जाता है, यह बहुत दिलचस्प बात है। जब ऊर्जा अपने शिखर पर होती है, केवल तभी आप शुद्ध चेतना या देवी रूप को देख पहचान और समझ सकते हैं। उससे पहले आप नहीं समझ सकते, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिखर से होती है, किसी भी अनुभव के शिखर से। जब किसी अनुभव का अस्तित्व आपको 100% घेर लेता है, तभी दुर्गा की उत्पत्ति होती है। कर पद्माभ्याम मक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है अनंत में व्याप्त, अनंत में गतिमान, असीम। ब्रह्मा असीम है, जिसमें सब कुछ समाहित है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है तुच्छता में न रहना, आंशिकता से नहीं पूर्णता से रहना। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी चेतना है जो कि सर्वव्याप्त है। मन की आधि व्याधि का करती वो विनाश है, चंद्र घंटा बन के करती पूरे काज है। मन की आधि व्याधि का करती वो विनाश है, चंद्रकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। प्रायः हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं, ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए भागते हैं। लेकिन हम हिमालय पर भी भाग जाए, मन से छुटकारा नहीं पा सकते। वो छाया के समान, मन को घंटे की ध्वनि के समान स्वीकार करें। ध्वनि केवल एक होती है, सभी छायाओं के बीच मन की एक ध्वनि। सारी अस्त व्यस्तता दैव्य शक्ति का उद्भव करती है, वो है चंद्र घंटा, अर्थात चंद्र और घंटा। तन की मन की और जीवन की ऊर्जा तुम्ही मैया, कुष्मांडा की मन
संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा शुहदास्तु मे। कु का अर्थ है छोटा, इश का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला। सृष्टि या ऊर्जा का छोटा सा वृहद ब्रह्मांडीय गोला। यह बड़े से छोटा होता है और छोटे से बड़ा। यह बीज से बढ़कर फल बनता है और फिर फल से दोबारा बीज हो जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा या चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने की और विशाल से विशालतम होने की विशेष गुण है, जिसकी व्याख्या माँ कुष्मांडा करती है। ज्ञान को कर्म बदले दिखलाए जगत का ज्ञान। गता नित्यं पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता वो दैव्य शक्ति हैं जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती हैं, वो जो ज्ञान को कर्म में बदलती हैं। अपने परम तेज से माता मिटाती है हर अंधेरा, शत्रु भय प्रपंच रहित होता है हर सवेरा। सुज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानवघातिनी। कात्यायनी अज्ञात की वो शक्ति है जो कि अच्छाई के क्रोध से उत्पन्न होती है। क्रोध अच्छा भी होता है, क्रोध बुरा भी होता है। अच्छा क्रोध ज्ञान के साथ किया जाता है और बुरा क्रोध भावनाओं और स्वार्थ के साथ। ज्ञानी का क्रोध हितकर और उपयोगी होता है, जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है। इस प्रकार कात्यायनी क्रोध का वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है। जब जब होती धर्म की हानि, माता प्रकोप तब करती हैं। बुराई मिटाने को काल रात्रि का रूप धरती हैं।
कर्णपूर नग्ना खरास्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादुल सल्लो हलता कंटक भूषणा वर्धन मूध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। कालरात्रि देवी माँ के सबसे क्रूर सबसे भयंकर रूप का नाम है। दुर्गा का यह रूप ही प्रकृति के प्रकोप का कारण है। प्रकृति के प्रकोप से कहीं भूकंप, कहीं बाढ़ तो कहीं सुनामी आती है। ये सब माँ कालरात्रि की शक्ति से ही होता है, ऐसी मान्यता है। महागौरी रूप में है सुख समृद्धि का वरदान, अपने भक्त जनों का मैया करती है कल्याण। माता तेरे वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। महागौरी माँ का आठवां रूप, अति सुंदर सबसे अधिक कोमल, पूर्णता करुणामय, सबको आशीर्वाद देती हुई माँ का यह वो रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। शंख चक्र गदा पद्म रख के आती है मैया, सिद्धदात्री बन के सब दुख दूर कर जाती है मैया। माता तेरे यक्षाधैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ का नवा रूप सिद्धिदात्री, सिद्धियां या जीवन में संपूर्णता प्रदान करने वाला है। संपूर्णता का अर्थ है विचार आने से पूर्व ही काम का हो जाना, यही संपूर्णता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर हमने बात की मैया रानी के सभी नौ रूपों की। हमें आशा है कि माता रानी आपको अपना आशीर्वाद दें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। तब तक के लिए लगाइए जयकारा, शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।